सारण लोकसभा से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य लगातार रोड शो कर रही है। परसा विधानसभा में रोड शो के दौरान महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने रोहिणी आचार्य से काफी प्रभावित भी नजर आई। वहीं महिलाओं ने कहा कि इस बार सारण को बेहतर उम्मीदवार मिला है। पहली बार महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद प्रत्याशी सारण को मिली है। महिलाओं ने कहा कि रोहिणी को जिताकर भेजनी हमारी जिम्मेवारी है। रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश भी महिलाओं ने की। लोकसभा चुनाव का चौसर सज चुका है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रोहिणी आचार्य का जो रोड शो है वो निकला हुआ और कितनी भीड़ है और लोग जो है कितने उत्साहित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोहिणी जो है वो गाड़ी के साथ चल रही है और जगह जगह पे जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं और जेसीबी के माध्यम से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है और महिलाओं का जो है वो हुजूम उमर पड़ा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ, क्या लग रहा है ये जो आज का माहौल देख रहे हैं, हमें नहीं लगता था इससे पहले ऐसा माहौल हुआ होता। अब हमारे माननीय सांसद लालू प्रसाद जी आते थे तो इस तरह का माहौल उससे भी बढ़ के आगे निकल गया है और तीन दिनों से काफी खुशी का माहौल है और ये भारी बहुमत से जीत के संसद में जाएंगे और हम सारणवासियों का नाम ऊंचा करेंगे। महिलाओं में कितनी उमंग है? महिलाओं में काफी उमंग है, काफी उत्साह है। बहुत दिनों के बाद हम लोग को प्रत्याशी मिला है, हम लोग को सुनने वाला मिला है, हम लोग को समझने वाला मिला है। कई जगहों पे महिलाओं ने उनको सम्मानित भी किया है, तो कैसा लग रहा है? जब बहुत अच्छा, महिलाएं अपने को गर्व महसूस कर रही है कि हमारा नेता, हमारी बहन, हमारी सांसद, हमारी माननीय रोहिणी आचार्य जैसा मिला है। किसी ने सही कहा है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं, इसी का नाम तो नारी है। अच्छा, जो रोहिणी है वो पिता को किडनी देने के बाद काफी चर्चाओं में आई थी, तो महिलाओं का उनके प्रति कितना सम्मान? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए लड़की, ऐसा लड़की सभी का। तो उनका जो समर्थन है वो किस प्रकार आप लोग लौटाएंगे वोट करके? बहुत अच्छा, वोट देंगे उनको, ऊंचा पद देंगे और अच्छा से विकास करेंगे। वो सारणवासी हम माननीय रोहिणी जी के ऋणी हैं और वोट के रूप में दे के अपना ऋण चुकाएंगे। अच्छा, महिलाओं में एक तरह की खोइचा देने का जो परंपरा है यहाँ भी दिया गया है, तो आप लोग किस तरह से रोहिणी को इस तरह का कार्य? हम लोग एक बेटी की विदाई करते हैं, हमारी बहन है, तो हम उनको खोइचा देंगे और भर मांग सिंदूर लगा के आने वाले चुनाव में अपने वोट के द्वारा। तो परसा के क्षेत्र में जो लगातार महिलाओं का जो सम्मान देखने को मिल रहा है, रोहिणी के प्रति लगातार महिलाएं उन्हें सम्मानित कर रही है, कई तरह की जो कार्यक्रम है मांगलिक वो कर रही है और कह रही है कि हमें गर्व है कि रोहिणी जैसी बेटी हमारे सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर आई है और हम लोग उनको जिता करके संसद में भेजने का काम करेंगे। अब नतीजे क्या आएंगे चुनाव के बाद, यह देखने वाली बात होगी। चपरासी न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।